अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक जो हमने C++ के बारे में पढ़ा, उसके अंदर जो काबिल जिक्र चीज़ें हैं उसमें हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी, फॉर लूप पढ़ी। लेकिन जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने इफ़ पढ़ा, इफ़ एल्स पढ़ा। मतलब जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही थी, तो हमने उसको सॉल्व करना सीखा कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स को देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह ही होती हैं, उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर भी हम यही करते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल कंडीशंस हो जाएं, उसमें ट्रू कंडीशन को एग्जीक्यूट करना हो या प्रिंट करवाना हो या कोई भी सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम इसे यूज़ करेंगे। आम तौर पे जैसे इफ़ एल्स के अंदर हम यूज़ कर रहे थे इफ़ या एल्स के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर इस तरह से नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होंगे, जो केसेस कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेंगे, और जब कंडीशन मैच हो जाएगी, तो वो स्पेसिफिक केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से आगे जाके सॉल्व होगा। तो क्लास, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ये बताएगा कि अगर मैं थ्री इनपुट दूँ, तीन तीन इनपुट दूँ, तो ये मुझे बताएगा कि हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है। अगर मैं फोर इनपुट दूँ, तो हफ्ते का जो चौथा डे है वो कौन सा होता है। अगर मैं फिफ्थ नंबर को इनपुट दूँ, तो वो मुझे बताएगा वीक का फिफ्थ डे जो है वो कौन सा होता है। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डे के नाम से, और यूज़र इनसे इनपुट करेगा सी आउट। एंटर डे सेमी कॉलन सी इन डे। अच्छा, अब क्या चीज़ है, क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट है, तो इसको हम स्विच लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दूँगा। अच्छा, ये स्विच देखें आप, बोल्ड हो गया थोड़ा सा, यानी कि ये कीवर्ड है, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास करूँगा मैं, डे पास करूँगा ये वाला वेरिएबल, ठीक है। अब मैं केसेस क्रिएट करूँगा। सबसे पहला केस क्या है, केस वन, यानी कि जब यूज़र इनपुट केस वन की दे, तो क्या होगा, सी आउट लेट्स सपोज संडे, इसे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ पहले क्या आउटपुट आता है। वन दिया, संडे आ गया। इसी तरह हम आगे करके इसे देखते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, केस टू कर देते हैं, इसे केस थ्री कर देते हैं, केस फोर कर देते हैं, और इसे केस फाइव कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह केस सिक्स कर देते हैं। अब मैं इसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, और ये फ्राइडे। मैंने ये 6 दिन इस वक्त लिख लिए हैं, सातवां भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा। आप लोगों को समझ, उम्मीद करता हूँ कि आएगा इससे ही। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट दे के देखता हूँ। इनपुट मैं फ़र्ज़ किया मैं दे रहा हूँ टू। देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि केस टू के बाद जितने भी हमारे पास वो हैं सब प्रिंट हो रहे हैं सिवाय संडे के। अब ये सारे प्रिंट क्यों हो रहे हैं,
उसकी रीज़न ये है कि हम एक और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, केस ट्रू हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो हम इस तरह से ब्रेक को यूज़ करेंगे। तो अब करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट किया, अब मैं 6 को इनपुट दे रहा हूँ, 6 कर लेते हैं, एंटर डे 6 फ्राइडे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, केस 6 पे फ्राइडे। अब मैं सातवां मैंने क्यों नहीं दिया उसके बारे में भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि सातवां, मुझे पता है कि सातवां जो है वो बंदा जो भी इनपुट देगा, तो केस 7 वो सैटरडे होगा, तो सी आउट। और ये ब्रेक, आप देखें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो क्लास अभी तक हमने 7 केसेस बना लिए हैं। अब मैं एक और चीज़ लिखने लगा हूँ, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या काम करेगा? डिफ़ॉल्ट मेरे प्रोग्राम को ये बताएगा कि अगर तो 7 से ऊपर चली जाती है कहानी, जो इनपुट देगा वो 7 से ऊपर दे देता है, तो फिर मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? इसे एग्जीक्यूट करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं फ़िलहाल सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पे एरर इस वजह से आ रहा है, ये मैंने यहाँ से भी देख लिया, तो सेमी कॉलन नहीं लगाया था इस वजह से एरर आ रहा था। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं पहले तो 7 देता हूँ, 7 पे सैटरडे आ गया, आपने देख लिया, पहले मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, केस नहीं लिखा था। अब मैं एक नया केस लिखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि 8 इनपुट आ रहा है, 8 इनपुट के ऊपर क्या कहता है, इनवैलिड नंबर। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ केसेस आपको पता हो कि ये केस हो सकता है जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन यूज़ ना कर रहे हो। एक्सप्रेशन यूज़ जब करेंगे तो आप इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप इसी को यूज़ करते हुए आप मंथ्स बता सकते हैं कि साल का जो मंथ है वो कौन सा चल रहा है, मतलब दूसरा इनपुट करेंगे फेब आ जाएगा, थर्ड इनपुट करेंगे तो मार्च आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल आप जाके नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 12 केसेस बनेंगे डिफ़ॉल्ट पे, फिर आप वो लिख देंगे कि इनवैलिड नंबर। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं भी देंगे या डिफ़ॉल्ट केस नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला, आपका जो प्रोग्राम है वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे हो रहा था। बस उसमें ये हो जाएगा कि आपका ये वाला केस जो है इसमें इनवैलिड नंबर नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया कि आप लोग ये चाहते हैं कि हमने करेक्टर्स इनपुट देने हैं, तो उसमें भी आप ये करेंगे कि यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज़ मैं करेक्टर इस तरह दे दूँगा, माइनस दे दिया, ये इस तरह से करके दे दिया, क्योंकि करेक्टर जो है वो हमेशा से ही जो आएगा वो कोट्स के अंदर आएगा, सिंगल कोट के अंदर। तो आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। अब आप इसी को प्रोग्राम को यूज़ करते हुए मैंने आपको दो और बता दिए हैं, एक मंथ वाला कि कितने मंथ्स हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप इन केस को यूज़ करते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर इस तरह के केसेस आते हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे पास मेरे नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म के मसला होगा आपको तो मैं इंशाल्लाह आपका सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।